नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के इस एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। आप सभी को अग्रिम रूप से दिवाली की शुभकामनाएं। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए पटाखों की जगह दियों से अपनी दिवाली मनाएं और किसी भी अनहोनी घटना से सतर्क रहें। जिंदगी और मौत के बीच में बस एक सांस की दूरी होती है, या फिर यूं कहें कि एक गोली या एक वार की दूरी। आज के इस एपिसोड में हम इंसानी रिश्तों, उनके सपनों, उम्मीदों और लालच के चक्रव्यूह में फंसे इंसानों की जिंदगी देखेंगे। वो जिंदगी जो एक खतरनाक अंजाम तक पहुंच चुकी थी, एक ऐसा अंजाम जिसके बारे में सोचकर भी रूह कांप उठे। ये देखिए सर, सर इसे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कम से कम 10 से 12 गोलियां मारी गई सर, और वो भी देसी कट्टे से। 10 से 12 गोलियां देसी कट्टे से? इतनी गोलियों को चलाना, कातिल के पास जरूर 2 से 3 कट्टे होंगे। आसपास कोई सीसीटीवी? नहीं। कोई आई विटनेस? नहीं सर, हमने सब जगह चेक किया सर, आसपास कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है सर। एक्चुअली सर, गोलियों की आवाज सुनकर इन लोगों ने मुझे कॉल किया, तब हमें इन्फॉर्मेशन मिली। कोई आईडी मिली? हाँ सर, सर इसका नाम चिंतन धवन है सर, और आईडी पे जो रेजिडेंशियल एड्रेस है सर, वो होशंगाबाद रोड का है सर। होशंगाबाद रोड, वहां पर तो ज्यादातर स्टूडेंट रहते हैं। हाँ सर। फिर तो इसके इंस्टीट्यूट में और जहां ये रहता है वहां से हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। सर आपको क्या लगता है, ये कोई हेट क्राइम है या फिर किसी नौसिखे का काम है? देखो, किसी नौसिखे के पास एक कट्टे का होना तो समझ में आता है, लेकिन 2 से 3 कट्टों का होना ये कोई आसान काम नहीं है। मतलब सर? विधि सी बात है, किसी को भी मारने के लिए 1 या 2 गोली बस होती, लेकिन इस केस में कातिल ने एक के बाद एक लगभग 10 से 12 गोलियां इसको दागी। मतलब वो कुछ मैसेज देना चाहता है, कुछ प्रूफ करना चाहता है, बट किसे और क्यों पता नहीं। बॉडी का पंचनामा करके पोस्टमार्टम लेके भेज दो और पूरी इंफॉर्मेशन लेके मुझे सुबह रिपोर्ट करो। ओके। अरे तेरे अबू चले गए क्या? जी अम्मी। तूने सुलेमान को देखा है कहीं? गया होगा वो अपने काम पर। कौन सा काम? हाँ, उसकी तो नौकरी चली गई है, वो भी 15 दिन पहले। घर पे तो बताना दूर, रोज ऐसे नाटक करता है जैसे काम पे जा रहा हो। अरे अम्मी आप फिक्र मत करो, और सुलेमान कोई छोटा बच्चा थोड़ी ना है। देख आ गया वो, अब तू ही बात कर ले, मुझसे तो सीधे बात नहीं करता हूँ। अच्छा हुआ तू आ गया, मेरी गठरी बंधाने में मदद करना। तेरी नौकरी चली गई है क्या? देख भाई तू फिक्र मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तू जल्दबाजी में ना कोई उल्टा सीधा काम। बाजी तू लेक्चर मत जा, मैं कोई बच्चा नहीं, जा मेरे लिए पानी ले। ये ले, कसके बांधी है। भाई सुनना, ये गठरी कनाड़िया तक छोड़ देना। हाँ यही काम रह गया था बस, मैं नहीं जा रहा, तू निकल। बढ़िया, ये कनाड़िया तक पहुंचा दे। 6 महीने हो गए हम एक दूसरे से बात करके, पर ऐसा लगता है जैसे हम एक दूसरे को जन्मों जन्मों से जानते हैं। हाँ लव, मुझे भी ऐसा ही लगता है। चल झूठी। संजीव मैं झूठ नहीं बोल रही। अब तो तुम पक्का झूठ बोल रही, तभी तो हर बार कोई ना कोई बहाना मार के हमारा मिलना टाल देती हो। इतने उतावले क्यों हो रहे हो? हाँ अब क्या करोगे मिलने के बाद? अपने दिल की बात कहने वाला हूँ तुमसे, एकदम फिल्मी स्टाइल, एक हाथ में रिंग और एक हाथ में फ्लावर्स लेते हुए अपनी नीस पे जाऊंगा और तुमसे पूछूंगा, बेबी विल यू मैरी मी? अच्छा अब बताओ कब मिले? बहुत जल्द। ओके बाय। अरे सहीदा तुम धूप में चलोगे तो कुमला जाओ। चलो आप बैठो गाड़ी में, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं संगे साहब शुक्रिया, लेकिन मैं चली जाऊंगी। बस कीजिए, मैंने कहा ना मैं चली जाऊंगी। तो मेरा इंसल्ट कर रही हो? अल्लाह का शुक्र करे कि अभी तक मैंने आपके इंसल्ट करी नहीं है।
वरना ऐसी इंसल्ट करती कि आप अपना चेहरा शीशे में भी देखने में शर्माते। चलिए जाइए, मुझे बहुत काम है। तेरी सर की कसम धोबी, तेरे बिना है ना एक पल काटना भी मुश्किल हो जाएगा, पता है बिरो? तू तो गांव क्यों जा रहा है, यहीं रुक जाना। अरे तो खाऊंगा क्या, वैसे भी यहाँ पे सब काम धंधा बंद पड़ गया है। गांव जाऊंगा, खेती करूंगा। अरे अपन राजा है वहाँ के, पता है तुझे? और मस्त वहां से आते टाइम ना एक तेरे लिए मस्त मोबाइल लेके आऊंगा और वापस तेरे पास। तो तुम मुझसे क्या चाहिए तुझे? ज्यादा कुछ नहीं, बस तेरे से दूर रहने का जो दर्द होगा ना उसकी दवा। मतलब एक छोटा सा वीडियो बनाना है रे, जब भी तेरी याद आएगी ना वीडियो देख लूंगा। वीडियो मतलब? चंदू आ भाई, अपन रेडी है भाई। रूबी तेरी मनोज बहन को अभी आना था क्या? जाओ जाओ निकल। हाँ पा, तू यहाँ क्या कर रही है? उधर अम्मी ने तेरी खोज में पूरा घर सर पर उठा लिया। तू और अम्मी ना दोनों एक जैसे हैं, छोटी छोटी बातों पर फालतू के नाटक करते हैं। अरे पानी भरने आई थी, मेरे बेटे की दावत है ना उसके लिए। कोई था क्या यहाँ पर, कोई दिख रहा है क्या? आई बड़ी जासूस साइदा। चलो वाह, क्या खुशबू आ रही है साइदा बेटा। जी अब्बू। बहुत ही उम्दा इंतजाम किया है बेटा तूने, खुश रहो। शुक्रिया। सलाम अलैकुम चाची। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद भाई। ओ वालेकुम सलाम मियां। भाभी जान। अरे शकील भाई आइए, आप ही का इंतजार था। आते कैसे नहीं भाभी जान, हमारे छोटे नवाब का जो जन्मदिन है। तू यहाँ क्या कर रहा है, चल बाहर आ। बाजी मैं जा रहा हूँ, और मुझे ढूंढते हुए कोई भी है तो कहना कि मैं यहाँ नहीं था। तू मेरे सर पे हाथ रख के कसम खा कि तूने कोई भी गलत काम नहीं किया है। बाजी ये सब नाटक बंद कर और प्लीज अपना मुंह बंद रखना, तुझे कसम है मेरे भांजे की। हाँ मेरा शहजाद, मेरा बेटा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, किसे बुलाया तुम्हें यहाँ? मैं अपने बेटे का जन्मदिन मनाने आया हूँ, आखिर बाप हूँ मैं उसका, मेरा हक है। तू होता कौन है मेरे और मेरे बेटे के बीच बोलने वाला? चल हट। चल सईदा, समझाना अपने बाप को तेरा शौहर आया है। अब चले जाइए यहाँ से, आपका मुझसे और मेरे बच्चे से कोई वास्ता नहीं है। पर कम से कम मेहमानों के सामने तो तमाशा ना करें। मेहमान मैं चला जाऊं, और जो तेरे बाप ने मेहमान के नाम पे ये लौंडे इकट्ठा करके रखे हैं, तू उनके साथ अय्याशी करेगी? ए चुप। है बड़ी मिर्ची लग गई तुझे, अपनी बहन की दलाली करते वक्त शर्म नहीं आई तुझे? ये सारे नए नए ग्राहक तूने इकट्ठा किया ना? देख लूंगा तुम सबको, देख लूंगा, ऐसी मौत मारूंगा कि देखने वालों की रूह कांप उठेगी। हमें मारेगा तू? चल मारेगा। माफ करना, इसका तो हमेशा का नाटक है ये, इसको सबक मिल चुका है। आइए हम अपना जश्न क्यों खराब करें।
हेलो पुलिस, लोगों को पहचानते हो? हाँ सर, ये मोहम्मद भाई है, फिर उनकी बीवी सलमा है, फिर उनकी छोटी बेटी जूबी है, और उनका बेटा सुलेमान है। कहाँ रहते थे ये लोग? सर ये प्रवासी मजदूर थे, ये पास की बस्ती में रहते थे, लॉकडाउन की वजह से इस फैक्ट्री में रहने लगे थे आके, अपनी बस्ती छोड़ के। एक काम करो, जरा पता करो। सर कोई निशानी नहीं है सर। गार्ड ने बताया कि ये प्रवासी मजदूर की फैमिली है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि लॉकडाउन की वजह से सब डिप्रेशन में आ गए होंगे, पूरी की पूरी फैमिली सुसाइड कर ली। पूरा घर अच्छे से चेक किया सर, लेकिन घर में कोई नहीं मिला। वॉचमैन, तुम तो कह रहे थे कि मोहम्मद की एक और बेटी है सईदा, और उसका कोई बच्चा भी है। बिल्कुल है सर। तो कहाँ है वो? तो पता नहीं सर। एक बात और सर, पूरे घर में खाना बिखरा पड़ा है, ऐसा देख करके लग रहा है कि कल रात कोई दावत हुई थी। एक काम करो, फूड सैंपल्स फॉरेंसिक लैब भेजो, और बॉडीज का पंचनामा करा के उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजो सर। और उस फैक्ट्री मालिक से कांटेक्ट किया? हाँ सर, कांटेक्ट हो गया, वो आ रहा है। ये आपकी फैक्ट्री है? जी, वरदान, गोनियों का काम है मेरा। मोहम्मद और उसके परिवार को कैसे जानते हैं? सर बहुत अच्छे लोग थे। मोहम्मद तो पिछले 20 सालों से मेरे पास काम कर रहा था, मेरे पिताजी के ज़माने से। ये बेचारे तो प्रवासी मजदूर थे, वहाँ बस्ती में मकान मालिक किराया माफ़ नहीं कर रहा था, ऊपर से फैक्ट्री भी बंद पड़ गया, बहुत तकलीफ़ में थे बेचारे। मैं भी कितना करता, मेरा भी धंधा ठप पड़ गया था, इसीलिए मैंने इनके परिवार को यहाँ फैक्ट्री में रहने के लिए बुला लिया। सोचा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब देखा जाएगा। इनकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि ये आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए थे, आपने इनकी मदद नहीं की? सर मैंने बहुत किया, जितना कर सकता था मैंने किया, लेकिन ये लोग आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाएंगे ये कभी नहीं सोचा। इधर और कौन कौन रहता था? अभी फिलहाल चंदू और सुरेश ही रहता है, सुनाया वो भी गांव जाने वाला है, और हाँ मेरा इलेक्ट्रिशियन शकील भी यहीं रहता है। चंदू, सुरेश और शकील। एक तरफ कुएं में पाई गई प्रवासी मजदूरों की लाशों की इंदौर पुलिस तहकीकात कर रही थी, और दूसरी तरफ भोपाल पुलिस एक शूटआउट में मारे गए चिंतन के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही थी, और तभी उनके हाथ एक बड़ा सुराग लगा। साइबर सेल ने चिंतन के मोबाइल और उसके लैपटॉप का सारा डिलीटेड डेटा रिट्रीव कर लिया सर। साइबर सेल के अनुसार चिंतन किसी संजीव नाम के आदमी से बातें करता था सर, और वो भी रेगुलर बेसिस पे। लेकिन सर उनके बीच में सिर्फ बातें नहीं बल्कि रोमांटिक बातें होती थी सर। इंटरेस्टिंग, पता करें संजीव कौन और क्या करता। ओके सर। अबू, अबू आप ठीक तो है ना? लगता है आपका बीपी बढ़ गया। नहीं बेटा, हम ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ। मुझे पता है अबू, आप हम सभी को लेकर फिक्रमंद रहते हैं, और फिर आपकी तबीयत बिगड़ जाती है। देखो बढ़ गया ना बीपी, मैं अभी दवाई देती हूँ। हे बेटा, तू देखना, हम 20 सालों से यहाँ पर रहकर मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, अब ये लॉकडाउन लग गया तो सारे प्रवासी मजदूर अपने वतन लौट रहे हैं, हम तो अपने गांव जा भी नहीं सकते, वहां जाकर करेंगे भी क्या बेटा? अब्बू आप फिक्र नहीं करो, मैं हूं ना, मैं और ज्यादा मेहनत करूंगी, सिलाई और कढ़ाई के और ज्यादा काम लूंगी, हमने इतने बुरे बुरे दिन साथ देखे अब्बू, तो ये लॉकडाउन हमारा क्या बिगाड़ेगा, देखना हम इसे भी पार कर जाएंगे। लोग कहते हैं कि तलाकशुदा बेटी माँ बाप पर बोझ होती है, लानत है उन पर। बेटा
तू तो मेरा सहारा है वे। सर सर मोहम्मद और उसकी फैमिली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घर पे पाए हुए खाने की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। सर खाने में बहुत ज्यादा मात्रा में नींद की गोलियां मिलाई गई और मोहम्मद का गला भी घोटा गया और सलमा को किसी चीज से दम घोट के मारा गया है। मतलब ये सामूहिक आत्महत्या के बदले सामूहिक हत्या का केस बनता जा रहा है। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इनकी बॉडी पे खरोंच है। इसका मतलब ये है कि उन्हें बेहोश करने के लिए पहले नींद की गोलियां खिलाई गई, फिर उन्हें कुएं तक खींच के लेके आया गया और फिर कुएं में धक्के देके गिराया गया। और सर चारों के बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में नींद की गोलियां पाई गई। एक फैमिली से चार बॉडी बरामद होती है, उस फैमिली की बड़ी बेटी अपने बच्चे के साथ गायब है, ये सब तुम्हें डाउटफुल नहीं लगता? सर ऐसा भी तो हो सकता है कि उसकी जान को खतरा हो। सर ये भी तो हो सकता है घर की बड़ी बेटी ने इन चारों की हत्या की हो फिर अपने बच्चे के साथ भाग गई हो। Let's not jump to conclusions. पूछताछ करते रहो, रिश्ते नाते यार दोस्त सबसे बात करो। We have to find her. और जो दो लड़के जो पड़ोसी गायब हुए थे क्या नाम है? सुरेश एंड चंदू सर। एक काम करो उनकी फोटो निकालो फैक्ट्री के मालिक से, ठीक है? और सईदा का फोन ट्रैकिंग पे डालो। शहर के तमाम मेडिकल स्टोर्स में पता करो पिछले कुछ दिनों में वहां से नींद की गोलियां किन्होंने खरीदी और सीसीटीवी फुटेज भी चेक करो। हमें ये पता लगाना है कि ये मर्डर्स जो है वो किसकी वजह से हुई है, कौन है ये कारण, मतलब मोहम्मद सलमा सुलेमान या फिर जुबी। ए बेटा मेरी बात तो सुन। सलू क्या है? ले बेटा सुन, आवारा गर्दी छोड़ और मेरे साथ फैक्ट्री में चल, हाथ बटा मेरा, चार पैसा घर में आएगा और ये उठपटांग लोगों से दूर रहेगा। मैं आपकी तरह जिंदगी भर मजदूरी करके फटियाल में नहीं रहूंगा, कोई ऐसा काम धंधा करूंगा जिसे माल भी आवे और अपना ताऊ भी जमे रहे। आप बस खाली गोंगिया उठा दे रहो, मैं गोंगिया भर भर के पैसे कमाऊंगा, समझे? कल्लू बेटा बात सुनना। भाई अब्बू ने जीना हराम कर रखा है, अब सच बताओ तो पैसे कमाने ही पड़ेंगे। जितना ज्यादा तू बेचेगा ना उतना ज्यादा कमाएगा। सर क्राइम सीन के पास हमें ये मोबाइल मिला था, इसे साइबर सेल से अनलॉक करवाया तो इसमें ये वीडियो मिला सर। ये तो जूबी है, उसके साथ कौन है? इसका नाम सुरेश है सर। सुरेश मतलब मोबाइल सुरेश का है? नो सर, सुरेश के दोस्त चंदू का है। ये देख तेरे लिए क्या लाया। हाँ ये वही था वो कल तू निहार रही थी ना मॉल के बाहर खड़े होकर, मुझे पता था ये ड्रेस तुझे पसंद है ना। देख तू मेरा कितना ख्याल रखता है, तू रुक मैंने इसको अभी पहन के आई, ठीक है? सर हाँ जुबी के मोहल्ले में जाके पूछताछ की, पता चला जुबी एक एडवेंचर सीकर थी। अच्छा मोहल्ले में सभी के साथ कम ज्यादा फ्लर्ट करती थी वो। रियली? यस सर, जब कोई उसके साथ फ्लर्ट करता था उसे छेड़ता था उसके साथ बातचीत करता था ये सब वो बहुत एंजॉय करती थी, उसको अच्छा लगता था। सर यहाँ तक कि आसपास के जवान लड़के भी सिर्फ जुबी के लिए उसके गली के चक्कर लगाया करते थे। पूछताछ करो, पता करो कि जुबी आखिरी बार किसके साथ थी और ये भी पता करो कि मोहम्मद का कोई अपना कोई रिश्तेदार इस शहर में है या नहीं, अगर है तो हम उनसे मिलना चाहेंगे क्योंकि इस केस की परतें जितनी खुलती जा रही है केस उतना ही उलझता जा रहा है। सर हमारे हाथों में जायका कमाल का है। अब हर बार मुझे मना लेते हैं ना जी, पर इस बार मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। अरे भाई हमसे क्या गलती हो गई? शायद आपने मुझे कहा था कि आप मुझसे शादी करोगे। तो मैंने मना कब किया? तुम्हारे दोनों बच्चों को भी अपने साथ ले आया, उन्हें अपनी औलाद माना, तुम्हें बेगम का दर्जा दिया और अब भी तुम्हें लगता है तो चलो कल चलकर रजिस्ट्री करवा लेते हैं। नहीं मुझे निकाह करना है सहरा बान के, काजी के सामने, पूरी बिरादरी के सामने और वो भी अपने गाँव में। ठीक है चलो कल ही चलते हैं तुम्हारे गांव, तुम्हारी अम्मी अब्बू से बात कर लेते हैं। बच्चे
उनका क्या होगा? अम्मी हमारा क्या होना है, मैं संभाल लूंगी सब। इतनी अच्छी खबर है, आप दोनों बेफिक्र होकर जाइए। पर रफीक का क्या? वो बेचारा तो अम्मी रफीक भाई भोले है, वो मेरी सारी बातें तो मानते हैं, मैं उनको संभाल लूँ। आप दोनों बात कर कर आइए, फिर हम सब साथ चलेंगे आप दोनों का निकाह करवाने। हमने तुम्हारे चिंतन के बीच में हो रही इंटरनेट में पूरी चैट हिस्ट्री रिट्रीव कर ली है। बहुत प्यार मोहब्बत वाली बातें हुआ करती थी तुम दोनों के बीच में। Hey my love, I miss you. Same here. वो बहुत पुरानी बात है, अब हम दोनों के बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं। वो लड़की, मेरा मतलब है वो लड़के ने मुझे बहुत टॉपू बनाया सर। तो बदला लेने के लिए तूने उसका मर्डर करवा दिया? अरे नीनी सर, ये आप क्या बात करें, मैंने उसे नहीं मारा, बल्कि मारा तो उसने मेरे जज्बातों और भावनाओं को। अच्छा, जब चिंतन का मर्डर हुआ तो तुम कहाँ थे? सर मैं तो फरीदाबाद में था, मेरे चचेरे भाई की शादी थी। मेरे पास फोटोज भी, मैं आपको दिखा दूँ। ठीक है, फिलहाल अभी तुम जा सकते हो, लेकिन हमसे बिना परमिशन लिए शहर से बाहर मत जाना। जी सर, थैंक यू। इस पर नजर रखो। हाँ सर, मैं और मोहम्मद साडू भाई, मतलब थे, मेरी बीवी रूबिया, मोहम्मद भाईजान की बेगम सलमा आपा की चचेरी बहन, और सर लॉकडाउन के चलते हम उनकी मिट्टी में भी नहीं जा पाए। रूबिया कहाँ है? सर वो अपने अम्मी अबू से मिलने गाँव गई थी, लॉकडाउन के चक्कर में वहीं फंस गई। मोहम्मद के परिवार के 4 सदस्यों की हत्या हो गई, और उधर सईदा अपने बच्चे के साथ गायब है। कुछ पता है सईदा कहाँ है? पता नहीं सर। मोहम्मद के परिवार का किसी के साथ कोई दुश्मनी, कोई लड़ाई झगड़ा? हाँ सर, खुर्शीद सईदा का शौहर, उसने सबकी नाक में दम कर रखा है, आए दिन उसके उनके साथ झगड़े होते रहते हैं। खुर्शीद का पता है? हेलो, क्या सर, जितनी जल्दी हो सके आप फैक्ट्री के कुएं वाले लोकेशन पर पहुंच जाइए। सर दो और लाशें मिली, आइए। ये देखिए सर, ये चंदू और सुरेश। सर दो और लाशें मिली है, आइए। ये देखिए सर, ये चंदू और सुरेश। इसी कुएं से मोहम्मद और उसके पूरे परिवार की लाशें मिली थी, उनका बेरहमी से कत्ल किया गया था, और आज ये दो लाशें। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, हो ना हो इनका भी मर्डर हुआ है, लेकिन इतने सारे लोगों को कौन और क्यों मार रहा है? एक काम करो, बॉडीज का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजो, और आसपास पता करो। सर यहाँ पर जो हादसे हो रहे उसके बारे में कुछ जानते हो? नहीं सर, मुझे तो कुछ नहीं पता। मोहम्मद के परिवार के बारे में कुछ और जानते हो? सर मोहम्मद की बेटी सईदा और शकील में कोई चक्कर है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि मोहम्मद को अपनी तलाकशुदा बेटी और शकील के रिश्ते पे एतराज हो, और इसीलिए शकील ने सईदा के साथ मिलकर पूरे परिवार को खत्म कर दिया हो और सईदा को लेकर भाग गया हो? जूबी और सुरेश का फैसला चल रहा था, पहले जूबी का मर्डर होता है फिर सुरेश का। सईदा जो है जूबी की बड़ी बहन थी, कहीं ना कहीं इस वारदात का सईदा के वारदात से आपसी संबंध तो है। इन मसलों का तार जो है ना, वो कहीं सईदा और शकील से जाके जुड़ रहे हैं। सईदा के फोन को ट्रैकिंग पे डाला था, क्या रिपोर्ट है? सर उसने अभी तक अपना फोन ऑन ही नहीं किया। तो शकील का फोन ट्रैक करो, हो सकता है दोनों एक साथ छुपे हुए। हाँ, और साथ ही साथ मुझे मोहम्मद सलमा सुलेमान और जूबी के कॉल रिकॉर्ड भी चाहिए। हाँ
इनका डेटा मिलना बहुत जरूरी है। फॉर सर, संजीव का बैंक अकाउंट और उसकी कॉल डिटेल चेक कर ली गई है सर, सब क्लियर है सर। मतलब हमारे पास कोई डिटेल नहीं? नो सर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इन देसी कट्टों के जरिए कातिलों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। पता करो पिछले दिनों एक दो नहीं बल्कि तीन तीन कट्टे किसने और कहां से खरीदे। अपने खबरियों को काम पे लगा दो, मुझे नहीं लगता हमारे भोपाल में कट्टे बेचने वाले ज्यादा हैं। एक तरफ इंदौर पुलिस सईदा और शकील का अभी कुछ पता नहीं लगा पाई थी, दूसरी तरफ भोपाल पुलिस को भी संजीव के बैंक अकाउंट डिटेल्स और कॉल रिकॉर्ड से कुछ हासिल नहीं हुआ था। वैसे तो ये दोनों केसेस अलग नजर आ रहे थे, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ ऐसी हैरतअंगेज बातें आने वाली थी जिससे इस केस की इन्वेस्टिगेशन की पूरी दिशा ही बदल जाने वाली थी। अगर सईदा और शकील को भागना होता तो क्या घर के जरूरी सामान छोड़ के जाते वो लोग? ये देखो, बच्चों के कपड़े, दूध का डिब्बा, दूध का बोतल, कुछ भी तो लेके नहीं गए। लॉकडाउन चरम सीमा पर थी, ऐसे में ये जरूरी सामान कोई छोड़ के नहीं जाता है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई पूरे परिवार को मार के उन्हें उठा ले गया हो? सईदा का पति, ऐसा मुमकिन है? वो सईदा को वापस चाहता था और शकील से बदला लेना चाहता था, तो हो सकता है कि कहीं बंद करके उसे टॉर्चर कर रहा। सर ये ट्रंक है जो हमें मोहम्मद के घर से बरामद हुआ था सर, इसकी जब तलाशी ली गई सर तो इसमें से ये 2,00,000 रुपए मिले। 2,00,000 रुपए? यस सर। कहीं ये तो वजह नहीं है मर्डर की? पता करो कि ये सुलेमान करता क्या था, उसके पास ये 2,00,000 रुपए आए कैसे? अवैध चरस और गांजे की स्मगलिंग करता है, लॉकडाउन के चलते अच्छा भाव भी मिल रहा था, काफी पैसे भी उसने कमा लिए। किसके लिए काम करता था? साहब वो जोसेफ का बंटर बन चुका था। जोसेफ का बंटर? यस। जोसेफ को लिया। सर जोसेफ तो भाग गया। इंदौर हत्याकांड की गुत्थी पुलिस के लिए उलझती ही जा रही थी, जितनी नई जानकारियां मिलती उतने ही नए पेच फंस जाते। हर तरफ संदिग्ध गुनेगार नजर आ रहे थे, लेकिन कोई भी पुख्ता सबूत हाथ नहीं लग रहा था। सुलेमान जिस जोसेफ के लिए अवैध धंधा करता था वो भी फरार था, पर इस बीच पुलिस के हाथ एक ऐसी जानकारी लगी जिसने इस केस को और उलझा दिया। ये तो सईदा, उसका बच्चा और शकील। सर इन सबको मिला के मरने वालों की संख्या 2-3 नहीं, पूरे के पूरे 9 हो गए। आसपास देखो। तेरे लाश तो बहुत सड़ चुकी है। काफी पुरानी लाश है। चेहरे को जानबूझकर कुचल दिया गया ताकि इसकी शिनाख्त ना हो सके। बॉडी का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के भिजवा दो। ओके सर। सर सईदा के शौहर खुर्शीद का पता चल गया सर, वो उज्जैन में छिपा हुआ था, वहां की लोकल पुलिस उसे यहां लेकर के आ रही है। साहब मानता हूं मेरा सईदा और उसके घर वालों के साथ हमेशा झगड़ा हुआ करता था। तो फिर घर बंद करके ताला लगा के तुम उज्जैन में क्यों छुपे हुए थे? साहब वो सबके सब मर गए ना, तो मुझे लगा आप लोगों का शक मुझ पर ही आएगा, इसलिए जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता मैंने अपने आप को छुपा लिया था। सर हाईवे किनारे मिले लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई सर, उसकी हत्या गला काट कर की गई है सर, और ऐसा लगता है कि सर उसके गले के जो बर्थ मार्क है उनको मिटाने की कोशिश की गई है सर। ये देखिए सर, बॉडी इंदौर भोपाल हाईवे पे मिली है। एक काम करो, इसकी फोटो इंदौर के रास्ते में पड़ने वाले सभी पुलिस स्टेशन में भेजो और पता करो क्या कोई इसकी शिनाख्त कर सकता है।
सर, भोपाल के एक पुलिस स्टेशन से सर ये फोटो आई है। इंदौर भोपाल हाईवे पर एक सड़ी हुई लाश मिली। हेलो, गुड, आखिरकार जोसेफ मिल ही गया। ले आओ उसे। मत मारो सर, बता दो सब। सुलेमान अपने फंडर था। शुरू में उसने हमको भरोसा जीता, अच्छा काम कर रहा था सब। बाद में उसने बड़ा हाथ मारा, बड़ा माल उठाया और उसको बेच के सारा माल लेके फरार हो गया साहब। अपन उसको ढूंढते हुए उसके फैक्ट्री वाले घर में पहुंचा, वहाँ भी कोई नहीं मिला साहब। बाद में पता चला कि वहाँ के कुएं में सबकी लाशें मिली साहब। अपन घबरा गया और अपन भाग गया साहब वहाँ से। अच्छा, तो तूने ही सुलेमान को मार डाला हा? और उसके परिवार वाले उसके खिलाफ कंप्लेन ना लिखवाए तो तूने उनको भी मार डाला? नहीं साहब, अपन को सुलेमान को मारना ही होता ना साहब तो उसके हाथ पैर तोड़ता, ना कि उसको नींद की गोली देके मारता साहब। ड्रग्स की सप्लाई कौन करता था? पहले मैं अपना माल फार्म हाउस में छुपाता था, फिर लॉकडाउन में फैक्ट्री बंद हो गया तो मैं वहां छुपाने लगा सर। मोहम्मद और उसका परिवार जब तेरे फैक्ट्री के कंपाउंड में रहने आया तो उन्हें तेरे धंधे के बारे में पता चल गया, इसलिए तूने उनको मार डाला। नहीं सर। सच बोल। नहीं सर, मैंने नहीं मारा सर, बल्कि मैं तो अपने चरस गांजे के धंधे में खुश था सर। मैंने किसी की हत्या नहीं की। महेंद्र सर, 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 मैं अजय सिंगर की वाइफ हूँ। आपने उन्हें क्यों अरेस्ट किया सर? उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है सर। आप शरीफ लोगों को परेशान कर रहे हैं। मैडम, लगता है आप अपने हस्बैंड को जानती ही नहीं। ड्रग्स का धंधा करता है आपका हस्बैंड, खुद अपने मुंह से कबूला है। नहीं सर, आपको गलत फहमी हुई होगी, वो ऐसा नहीं कर सकते सर। प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए सर, प्लीज। सॉरी, मामला इतना संगीन है कि उन्हें तो बेल भी नहीं मिलेगी, इसलिए आप बेकार की कोशिश ना करें सर। मैडम प्लीज आइए, आप आइए। ये सईदा के कहने, इसके पास सुना, ये जो मैडम गई ना, फटाफट लेके आओ उनको, फटाफट बुलाओ। अच्छा, ये जो गहने आपने पहन रखे हैं इस पिक्चर में, ये गहने कहाँ पे हैं? क्या कर रहे? अपनी फीस ले रहा। मेरे मना करने के बाद भी शकील जबरदस्ती लेके चला गया था। ये किस्सा किस दिन हुआ? 3 दिन पहले। 3 दिन पहले, उसके एन एक दिन बाद हत्याकांड होता है। मतलब शकील ने सईदा को ये गहने दिए, सईदा ने अब गहने पहने और उसके बाद उन सबको मार डाला गया। क्यों? तुझे पता चल गया था ना कि शकील सईदा के साथ साथ तेरी बीवी के साथ भी चोंच लड़ा रहा है? यही नहीं, उसने तेरी बीवी के गहने भी चुरा लिए थे। इसी गुस्से में तूने शकील को और बाकी लोगों को मार डाला। ये सब मैं पहली बार सुन रहा हूं और मैंने किसी का खून नहीं किया है। महेंद्र, जरा इन्हें ले जाओ अपने साथ और खातिरदारी करो, जब तक सच ना उगले रुकना नहीं। चलो ले जाओ। सर, सर, आप भी चलिए। सर, मेरी बात को प्लीज। मैडम चलिए। सर जाओ। सर, सईदा, शकील और उसके बच्चे का भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सईदा और शकील दोनों को बहुत ज्यादा मात्रा में नींद की गोलियां दी गई थी। देखो, सईदा और शकील की बॉडी जहाँ मिली है वो फैक्ट्री से ज्यादा दूर नहीं थी। जी सर, और सिर्फ बच्चे की बॉडी में नींद की गोली का कोई ट्रेस नहीं मिला। बच्चे को गला घोट के मारा गया और उसके हाथ में शर्ट का एक बटन फंसा हुआ था। बच्चा नींद में नहीं था, गला दबाते वक्त बच्चे ने अपने हाथ में जो भी आया उसे पकड़ लिया, उसके हाथ में एक बटन आ गया। अब हमें पता यह लगाना है कि यह बटन किस शर्ट का है, समझ रहे हो? पिछले 6 महीने में इस तरह का शर्ट किसने खरीदा है? हो सकता है सस्पेक्ट ने ये शर्ट फेंक दिया हो।
हमें छानबीन करनी होगी, पूछना होगा घर बार, ऑफिस, आस पड़ोस कि किसने इस तरह के बटन पहने शर्ट में सस्पेक्ट को देखा है। सब कट्टे बेचने लिया था। पिछले कुछ दिनों में तुमसे किसी ने 3 कट्टे खरीदे? हाँ साहब, पर नाम याद नहीं। वापस शक्ल तो याद होगी ना? हाँ साहब। स्केच बनवाने में हमारी मदद करोगे? सर हमने बहुत कोशिश की लेकिन उस शर्ट के बटन के बारे में कुछ पता नहीं चला। इन्वेस्टिगेशन जारी रखो, हमें पता तो करना पड़ेगा। अरे पूरा का पूरा परिवार उनके पड़ोसियों को मार डाला, सारे पैंतरे हमने अपना लिए लेकिन अभी तक पता नहीं चला कि कातिल कौन है। क्या वजह हो सकती है? कौन कौन किसके लिए? ये मोहम्मद है, सुलेमान, जूबी, सुरेश, चंदू या फिर सादिया और शकील, जो कोई भी हो वो लोग इतनी अच्छी तरह से जानता था कि इनके खाने में नीम की गोलियां वो मिला सकता था। सर हमने सबका बैकग्राउंड बहुत डिटेल में चेक किया लेकिन ऐसा कोई भी क्लू नहीं मिला जो हमें कातिल तक पहुंचा सके। कहीं इसकी वजह सलमा तो नहीं है? तुम एक काम करो, जहां ये लोग पहले रहते थे ना वहां पता करो, कोई ना कोई तो वहां पे होगा जो सलमा के बारे में जानता होगा। हाँ कम ऑन, लेट्स गो। सर सलमा भाभी बहुत नेक औरत थी और सबकी मदद भी करती थी। और हाँ सर, सलमा पिछले एक आध महीने से बार बार अपने मायके फोन किया करती थी और घंटों बातें किया करती थी। सर वैसे तो सब ठीक था पर उनके व्यवहार में काफी बदलाव आ गया था। ठीक है, थैंक यू सो मच, अब आप जा सकते हैं। कुलदीप, सलमा अपने मायके बार बार फोन कर रही थी और चिड़चिड़ी भी हो गई थी, कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा है मुझे। चलो अर्शद और गजल से जाके बात करते हैं, शायद उन्हें कुछ पता हो। नहीं सर, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, शायद रुबिया को पता हो। क्या मैं रुबिया से बात कर सकता? जी सर। अरे गजल। हाँ अबू। जरा मेरा फोन लाना, तो तुम्हारी मम्मी से बात करनी। हेलो। हाँ रुबिया। हाँ ये इंस्पेक्टर राकेश श्रीवास्तव तुमसे बात करना चाहते हैं। रुबिया जी शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। अच्छा मेरा एक सीधा सा सवाल था, वो ये कि सुनने में आया कि सलमा आपा जो है वो आखिर के दिनों में थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई थी, अपने मायके अक्सर फोन किया करती थी, परेशान रहती थी मतलब, तो आपको कुछ खबर है इसके बारे में, मतलब क्या हुआ था उनके साथ? इंस्पेक्टर साहब, सलमा आपा को लोगों से मिलने जुलने का बहुत शौक था पर लॉकडाउन की वजह से घर छोड़ के फैक्ट्री कंपाउंड में जाकर रहना पड़ा, ना ज्यादा किसी से मिलना जुलना ना बातचीत, तो उनका दम घुटने लगा था। सारे मजदूर अपने अपने मुल्क जा रहे थे, सलमा आपा भी अपने मायके जाना चाहती थी पर उनके शौहर मना कर रहे थे, इसकी वजह से वो थोड़ी चिड़चिड़ी सी हो गई थी। थैंक यू शुक्रिया। ये रुबे जी की तस्वीर है क्या? अच्छा अच्छा, ये लीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर सर उस तरह के बटन वाले शर्ट्स जितने लोगों ने खरीदी थी उनकी लिस्ट आ गई है, ये रही सर लिस्ट। अच्छा भोपाल पुलिस की तरफ से एक फोटो भेजी गई थी हाईवे पे मिली लाश की, हाँ वो फोटो ले आओ सर। और रुबिया के फोन का लोकेशन ट्रेस करो। सर 3 कट्टे खरीदने वाले का स्केच बन गया सर। ये स्केच प्रदेश के सभी पुलिस स्टेशन हेडक्वार्टर में भेजो और साथ ही साथ राज्यों के हेडक्वार्टर में भी भेजना। सर रुबिया की फोन की लोकेशन आ गई, फिलहाल वो घर पे ही है। अच्छा, लेकिन 23 तारीख को उसका फोन इंदौर से भोपाल की तरफ गया फिर घर वापस आ गया। हेलो, मैं कुंज विहार पुलिस स्टेशन से PI बोल रहा हूँ। जैन सर। अच्छा आपका वो भेजा हुआ स्केच तो हमें मिला, साथ ही साथ वो लाश की फोटोग्राफ भी। एक बात पता करनी थी कि लाश के पोस्टमार्टम के मुताबिक आपको क्या लगता है अंदाजे से मर्डर किस दिन हुआ होगा? जी
23 तारीख के आसपास। सर मेडिकल स्टोर से सर इतनी ज्यादा क्वांटिटी में किसी ने नींद की गोलियां नहीं खरीदी थी। जिसने ये दवाइयां खरीदी ये रही सर उसकी फोटो। बिना टाइम वेस्ट किए बिना मार खाए सच बता दे रुबिया को कैसे और क्यों मारा? रुबिया और मैं निकाह करने ही वाले थे और हम सब साथ रहने लगे उसके दोनों बच्चों के साथ। लेकिन जब भी मैं रुबिया को प्यार करने लगता गजल चुपके से देखा करती थी। पहले तो मैं बहुत हैरान था गुस्सा भी आया लेकिन फिर मैं समझ गया। रुबिया को मैंने इस बारे में कुछ नहीं बताया और फिर मैंने गजल को उकसाना शुरू किया और वो मेरी तरफ खिंची चली आई। रुबिया वैसे भी बुढ़ाने लगी थी और गजल जवान है। फिर हमने सोचा कि अगर हमें एक दूसरे के साथ जिंदगी भर खुश रहना है तो रुबिया का कांटा जिंदगी से निकालना पड़ेगा। और फिर मैं रुबिया को उसके घर वालों से मिलवाने के बहाने अपने साथ ले गया और रास्ते में ही मार दिया और मैं लौट आया। आकर सबको यही कहा कि वो वहीं रुक गई है और फिर किस्मत से लॉकडाउन भी हो गया। लेकिन मेरी बदकिस्मती है कि रुबिया को मारते हुए मुझे संजीव ने देख लिया। और वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा। फिर उससे पीछे छुड़वाने के लिए उसके कहने पर मुझे चिंतन को मारना पड़ा। उसे कैसे मारा? उसके लिए मैंने 3 देसी कट्टे खरीदे कि जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर मैंने सारी गोलियां चिंतन के सीने में उतार दी। और बाकियों को कैसे मारा? सर उन सबको मैंने नहीं मारा। सच बताओ कैसे मारा? सर सच बोल रहा हूँ इधर। सर सर सच बोल रहा हूँ सर सर सर। रजल मैडम आप बताने का कष्ट करेंगी या आपने 4-5 मेडिकल स्टोर से भाई का प्रिस्क्रिप्शन दिखाकर नींद की गोलियां क्यों ली? वो सालमा खाला और मोहम्मद खालू बार बार अम्मी के बारे में पूछ रहे थे। वो लोग पीछे ही पड़ गए। रुबिया कहाँ है? रुबिया कहाँ है? नहीं तो हम पुलिस के पास चले जाएंगे। उनसे पीछा छुड़ाने के लिए उन दोनों को मारना पड़ा। और फिर सईदा के बच्चे के बर्थडे के बहाने मैं उसके घर गया और मैंने सभी के खाने में नींद की गोलियां मिला दी। मारना तो मैं मोहम्मद और सलमा को चाहता था लेकिन सब लोग वहीं पे थे तो उनको पता चली जाता इसलिए मुझे सबको मारना पड़ा। मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम दोनों को सख्त से सख्त सजा मिले। कामा तुरानम न भयम न लज्जा। अरशद और गजल ने अपने शारीरिक आकर्षण को प्रेम समझा और उसकी खातिर गजल की मां और अरशद की होने वाली बीवी रबिया की हत्या कर दी। इस एक हत्या के बाद अरशद और गजल अपराधों के फेर में पड़ गए और फिर उन्होंने 11 हत्याओं को अंजाम दिया। पर वो कहते हैं ना कि अपराधों की लिस्ट चाहे कभी कभी थोड़ी लंबी हो जाए लेकिन उसका अंत जेल की काल कोठरी में ही होता है। और अरशद और गजल के साथ भी यही हुआ। हाँ अगर वो अपना पहला अपराध करने से पहले अपने आप पर काबू पा लेते तो शायद आज चैन की जिंदगी जी रहे होते। और अगर सईदा का परिवार भी थोड़ा सतर्क रहता तो उन सबको भी जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। आप सबको सोनी टीवी और क्राइम पेट्रोल की पूरी टीम की तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।